नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक YouTube चैनल पर मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभाग अध्यक्ष, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सूरदास कवि का अध्ययन कर रहे थे। महाकवि सूरदास के जीवन व्रत और उनसे संबंधित कुछ पदों का, खासकर विनय के पदों का अध्ययन हम इससे पूर्व के दो वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम सूरदास के शेष रहे कुछ पदों का वर्णन करेंगे जिसमें उनकी बाल लीला का वर्णन मिलता है। यशोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नहीं भेखी आवे, तो को कान है बुलावे, कभू पलक हरी मूंद लेत है, कभू अदर फरकावे, सोबत जानी मोन हवे के रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाई उठे हरी, जसमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। प्रस्तुत पद गेय शैली में है, क्योंकि पद हैं तो पदों को गेय शैली में ही गाया जाता है, कह सकते हैं कि इनको गान किया जाता है। तो प्रस्तुत पद श्री कृष्ण की बाल लीला से वर्णन से संबंधित पदों में से लिया गया है। द्वितीय इसमें वात्सल्य रस का हमें चित्रण देखने को मिल जाएगा। यशोदा माता है, वो अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाना चाह रही हैं, लेकिन नींद उनको पूरे कह सकते हैं जिस विधि से आनी चाहिए, जिस तरीके से आनी चाहिए पूर्णता नींद, वह उनको नहीं आ रही। तो वह निंदिया को बुला रही है कि तुम मेरे पुत्र को आओ, जिससे वह सो सके और आराम कर सके। तो इसी का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री यशोदा जी श्याम अर्थात श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। कभी वे उसको झुलाती हैं, कभी प्यार से पुचकारती हैं, और चाहे जो कुछ हो गाती हैं। वे गाते हुए कहती हैं कि हे निद्रा, तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू तो झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कन्हाई अर्थात कान्हा बुला रही हैं। श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण कभी पलके बंद कर लेते हैं, कभी अदर फड़फड़ाने लगते हैं। कहने की तात्पर्य यह है कि वह अर्ध निद्रा की अवस्था में है, पूर्णतः उनको नींद नहीं आ रही है, वे सोते भी हैं, मतलब कि उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि उनको नींद आ रही है, तो वो आलस से युक्त हैं। तो इसी संदर्भ में माता यशोदा आगे निद्रा से कहती हैं कि उन्हें सोते समझकर माता चुप हो रहती है, और दूसरी गोपियों को भी संकेत कर समझाती है कि यह सो रहा है, तो तुम सब भी चुप रहो। इसी बीच में जो श्री कृष्ण हैं आकुल होकर जाग जाते हैं। श्री यशोदा जी फिर मधुर स्वर में गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात श्री कृष्ण को बाल रूप में पाना, उनके माता पिता बनना, उनका लालन पालन करना, उनको प्यार करना, ऐसा सुख श्री नंद की पत्नी यशोदा को सहज ही प्राप्त हो गया है। द्वितीय पद भी श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित ही है। वे कहते हैं मैया मैं चंद खिलौना ले हूँ, जे हो लोटू धरती पर अभी तेरी गोद न एहो, सुरभि को पे पान करी हो, बेनी सिर न गुहे हो, हवे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो, आगे आओ बात सुन मेरी बलदेवी ने जने हो, हंसी समझावत कहत जसोमती नई दुल्हनिया दे हो, तेरी सो मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जे हो, सूरदास हवे कुटिल बराती गीत सुमंगल गे हो। महाकवि सूरदास जी का यह पद भी गीतात्मक है, और इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। उनकी हट है कि मुझे यह चंद्रमा है अर्थात चंदा मामा खिलौना के रूप में चाहिए, तो उसी बाल लीला का, उनके हट का वर्णन कवि सूरदास ने इस पद में किया है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि मुझे तो यह चंद्रमा खिलौना चाहिए, और अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगी तो मैं अभी इस धरनी अर्थात पृथ्वी पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, न तो मैं गाय का दूध सुरभि अर्थात गाय का दूध पीऊंगा, न ही सिर में चुटिया गुथवाऊंगा अर्थात बालों को बंधवाऊंगा,
और तो और मैं अपने नंद बाबा का पुत्र बनूंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तब यशोदा माता उनको उनकी इस प्रकार की हट पर हंसती है और उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि आगे आओ और मेरी बात सुनो। यह बात तुम्हारे दाऊ भैया को मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हें मैं नई पत्नी दूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि छोटे बच्चे जब घरों में हठ धर्मिता करने लग जाते हैं, किसी चीज़ के पीछे वो जिद करने लग जाते हैं कि हमें यह चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको वो वस्तु अगर नहीं दे सकते तो उसकी जगह कोई और वस्तु देकर उसको उसकी उस वस्तु की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो यही स्थिति माता यशोदा की भी है। वे क्या करती हैं कि अब चंदा मामा को तो कहाँ से खिलौना लेके आएंगी, तो वो क्या कहती कि मैं तुम्हें ये एक नई पत्नी दूंगी और तुम ये बात दाऊ को मत बताना। अच्छा, तो आगे उनकी यह बात सुनकर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम मेरी मैया हो, तेरी शपथ सुन, अर्थात मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ, मैं इसी समय ब्याह करने जाऊँगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, और मैं आपकी कुटिल बारात, अच्छा बारात में व्यंग्य करने वाला बनूँगा और आपके विवाह के मंगल के सुंदर गीत गाऊँगा। तो यह पद भी वात्सल्य रस से संबंधित है। बाल लीला का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का सहज सुंदर माधुर्य इस पद में यत्र तत्र संपूर्ण पद में व्याप्त है। बाल लीला से संबंधित सूरदास जी का अगला पद, मैया बहुत बुरो बल दाऊ, कहन लग्यो बन बड़ा तमाशो सब मोड़ा मिल आऊ, मोहू को चुचकारी गियोले जहाँ सगन बन जाऊ, भागी चलो कही गया उहाते काटी खाई रे हाऊ, हो डरपो और रोबो को नहीं धीर धराऊ, थरस गयो नहीं भाग सको वे भागे जात अघाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो आप कहावत साऊ, सूर्यदास बल बड़ा चबाई तैसे मिले सुखाऊ। प्रस्तुत पद में भी श्री कृष्ण जी की बाल लीला से ही संबंधित है। उनके सखा और उनके भ्राता द्वारा उनके साथ में क्या मजाक किया जाता है जंगल में, तो उस मजाक का वे अपनी माता से शिकायत करते हैं कि बलदाऊ भाई भाई हैं, वह बड़े ही बुरे हैं, वह अच्छे नहीं हैं, उन्होंने मेरे साथ में इस प्रकार का मजाक किया, मेरा उपहास किया। तो एक प्रकार से जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने भाई बहनों की किसी बात में अगर उनको ठेस लगती है तो वो अपने माता पिता के समक्ष जाकर उनका क्या कहते हैं कि बुराई करते हैं या कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। तो इसी प्रकार की बाल लीला का वर्णन महाकवि सूरदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। वे क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा के पास आकर कहते हैं कि मैया, यह दाऊ दादा तो बहुत बुरे हैं, मुझसे क्या कहते हैं कि चलो हम वन में चलते हैं, वहाँ पर बड़ा तमाशा है, अर्थात वहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य है, और सभी बालक एकत्र होकर आ जाओ। मुझे भी पुचकार कर वे ले गए और मैं भी उनकी बातों में आ गया और उनके पीछे वो अद्भुत दृश्य देखने के लिए चल पड़ा। जहाँ जहुओं का घना वन है वहाँ जाने पर यह कहकर भाग गया कि अरे भाग चलो यहाँ तो हाऊ काट खाएगा। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों के कि वहाँ पे हाऊ है अर्थात भूत है, ये कोई ऐसी चीज़ है कि डरावनी चीज़ है, तो हम यह कह के भाग जाते हैं। अर्थात अभी पहले तो हम बच्चों को ले जाते हैं, ये छोटे बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में मजाक करते हुए क्या करते हैं कि वह एक बच्चे को या सभी इकट्ठे होकर चले जाते हैं, फिर दूसरे को डराकर भाग जाते हैं। तो एक प्रकार से यह भी उनका खेल है। तो यही स्थिति क्या कहते हैं दाऊ जी की है, अर्थात बलराम की ही है। तो वे क्या करते हैं कि श्री कृष्ण को जंगल में ले जाते हैं और अंत में उनको डराने के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो भागु है वह खा जाएगा। मैं क्या हुआ कि वो तो सब भागे, मैं डरता रहा, कांपता रहा, रोता रहा, मुझे धैर्य देने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था, मैं डर गया था, उस डर के कारण मैं भाग नहीं पाया और वे सब आगे आगे भागते गए। मुझसे कहता है और तो और इतना ही नहीं, वे मुझसे क्या कहते हैं कि तू तो मोल का लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, स्वयं भला कहलाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैया ने कहा बलराम तो बड़ा झूठा है, वैसे ही सखा भी मिल गई हैं। कहने का तात्पर्य वो भी अपने श्री कृष्ण जो श्याम हैं उनके हाँ में हाँ मिलाते कहते हैं कि हाँ तुम सत्य कह रहे हो श्री कृष्ण, हे गोपाल, हे लड्डू गोपाल, हे माखन चोर, कि तुम ये सत्य कह रहे हो कि बलराम तो वास्तव में बड़ा झूठा है, वह झूठा है और उसके दोस्त भी ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार से माता अपने पुत्र को धैर्य देती है।
पहले के पदों के समान में ही यह है। इसमें भी ब्रज भाषा का माधुर्य है, बाल लीला का वर्णन है, वात्सल्य रस का वर्णन कह सकते हैं। छोटे बच्चे जब एक दूसरे की शिकायत करते हैं किस प्रकार से, तो उस शिकायत का भी वर्णन इसमें मिलता है। तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर महाकवि सूरदास ने उपस्थित किया है। सखा सहित गए माखन चोरी, देखियो शाम गवाच पंथ हवे, मथती एक ददी भोरी, हेरी मथानी धरी माट ते माखन हो उतरात, आपन गई कमोरी मांगन हरी पाई हया घात, पेठे सखन सहत गर सोने ददी माखन सब खाए, छूछी छांडी मटकिया धरी की हंसी सब बाहर आई, आ गई कर लिए कमोरी घर ते निकसे गवाल, माखन कर धरी मुख लपटानो रह देखी रही नंदलाल, कह आए ब्रज बालक संगले माखन मुख लपटान्यो, खेले ते उठ भजियो सखा यह इह कर आई छुपान्यो, बुझ गई कान है एक बालक निक्स ब्रज खोरी, सोरदास ठग रह ग्वाली मन हरि लियो अंझोरी। प्रस्तुत पद में भी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। वे अपने मित्रों के साथ या कह सकते हैं कि अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्होंने खिड़की की राह से अर्थात खिड़की से झांक कर देखा कि एक भोली सीधी सादी गोपी दही को मथ रही है। उसने यह देखकर कि मक्खन ऊपर तैरने लगा है, मथानी को मटके से निकाल कर रख दी और स्वयं मक्खन रखने के लिए मटकी मांग कर लेने गई। श्री कृष्ण को यह अवसर उचित लगा। वे सखाओं के साथ उस सुनसान घर में घुस गए और सारा दही और मक्खन सबने मिलकर खा लिया और दही का मटका खाली छोड़कर हंसते हुए सब घर से बाहर निकल गई। जब वे निकल ही रहे थे कि इतने में वह गोपी हाथ में मटकी लिए आ गई और उसने देखा कि सब गोप बालक उसके घर से निकल रही हैं हाथ में मक्खन लिए। मुख पर उनके दही लिपटाए हुए श्री कृष्ण की छटा तो वह देखती ही रह गई। उसने पूछा, ब्रज के बालकों के साथ लेकर कहाँ आए हो, अर्थ मतलब कि यहाँ कहाँ से आए हो, मुख पर मक्खन लिपटा रखा है। तो श्री कृष्ण बोले कि मेरा यह सखा खेल में से उठकर भाग आया और यहाँ इस घर में आकर छिप गया। यह कहकर कन्हाई ने पास के एक हाथ बालक का हाथ पकड़ लिया और ब्रिज की गलियों में चले गए। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी तो ठगी सी मुग्ध रह गई कि श्याम सुंदर ने प्रकाश में अर्थात सबके सामने दिन दिहाड़े उसके मन को हर लिया। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने केवल उस घर में जाकर माखन की चोरी नहीं की बल्कि उस गोपी के हृदय की भी चोरी कर ली। महाकवि सूरदास का बाल लीला से संबंधित अगला पद, खेलन अब मेरी जाई बलैया, जबकि मोही देखत लरिकन संग तभी खिजत बल बहैया, मोसो कहत तात वसुदेव को देव की तेरी मैया, मोल लियो कछु दे करी तिनको करी करी जतन बढ़ैया, अब बाबा कही कहत नंद सो जसुमति सो कही मैया, ऐसे कह सब मोही खिचाब तब उठ चल्यो खिसेया, पाछे नंद सुनत है ठाडे हसत हसत उर लेया, सूर नंद बलराम ही धीरियो तब मन हर्ष कन्हैया। प्रस्तुत पद में पुनः जो बलदाऊ हैं वे श्री कृष्ण को खिजा रही हैं, उनको फिर वो छेड़ रहे हैं, परेशान करते हैं। तो इसी की बात का वर्णन इसी कह सकते हैं इसी वार्तालाप का या इस संवाद का ये कह सकते हैं इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन महाकवि सूरदास ने इस पद में किया है। श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने बलदाऊ भैया से कहते हैं कि अब मेरी बला खेलने जाए कि मैं तो खेलने जाऊंगा नहीं, जब भी भैया बलराम मुझे लड़कों के साथ खेलते देखते हैं तभी झगड़ने लगते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू तो वसुदेव जी का पुत्र है, तेरी माता देवकी है, उन्हें कुछ देख कर ब्रजराज ने तुझे मोल ले लिया है और अनेक उपाय करके भड़ा किया है, अब तो श्री नंद जी को बाबा कहकर पुकारता है और श्री यशोदा जी को मैया कहता है, इस प्रकार की बातें कहकर सब मुझे चढ़ाते हैं, इससे रुष्ट होकर मैं वहां से उठकर चला आया। पीछे खड़े हुए नंद बाबा भी यह बात सुन रहे हैं और उन्होंने हंसते हंसते मोहन को हृदय से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री नंद जी ने बलराम जी को डांटा तब कन्हाई मन में प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे बच्चे जब आपस में किसी बात पे लड़ झगड़ बैठते हैं
और वे उसकी शिकायत अपने माता पिता से करते हैं, और जब दूसरे को भाई बहन को या किसी को डांट पड़ती हैं तो वे मन ही मन प्रसन्न होते हैं। तो इसी अद्भुत दृश्य का वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है। तो एक तो यह कह सकते हैं बाल लीला से संबंधित वर्णन है, ब्रजभाषा का माधुर्य है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति भी इसमें मिलती है। इसके साथ में ही बच्चों की हठधर्मिता, एक दूसरे को परेशान करना, शिकायत लगाना और शिकायत लगाकर प्रसन्न होना, इस अद्भुत दृश्य का बड़ा मनमोहक सुंदर वर्णन महाकवि सूरदास ने इस पद में किया है। बाल लीला वर्णन से संबंधित पदों में अगला पद, मैया हो न चिरे हो गाई, सेगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो न पतियाही पूछी बलदाहू अपनी सोह दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रसाई, मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंघाई। महाकवि सूरदास ने प्रस्तुत पद में बाल लीला का बड़ा अद्भुत सुंदर वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का एक बार पुनः अपनी मैया से ग्वालों की शिकायत लगाना और खुद की पीड़ा का बताना, इन सभी बातों का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि वे अपनी माता से फिर से ग्वालों की शिकायत लगा रही हैं, क्योंकि वे गाय को चराने जाते थे। तो उसी क्रम में क्या कहते हैं कि हे मैया, कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कारण क्या है कि जब भी मैं गाय चरवाने जाता हूँ तो बाकी भी ग्वाले मेरे साथ में होते हैं और वो मुझसे क्या करते हैं, मुझसे अपनी गायें भी हकवाते हैं, और मैं दौड़ता रहता हूँ, सारे दिन गायों को संभालते रहता हूँ और सारे दिन थक जाता हूँ, इससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। यदि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो दाऊ भैया को अपनी कसम खिलाकर पूछना, कि ये नहीं कह रहे कि आप प्रत्यक्ष रूप में पूछ लेना, पहले उनसे अपनी शपथ लेना और फिर उसके बाद में उनसे पूछना। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर मैया यशोदा रुष्ट हो जाती है, अर्थात वे क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों को बुरा भला कहने लगती है। वे ग्वालों से कहती हैं कि क्या मैं अपने लड़के को इसीलिए तुम लोगों के साथ में भेजती हूँ कि तुम अपनी भी गैया मेरे बच्चे से संभलवाओ या उनसे हकवाओ, मेरे बालक से हकवाओ। मैं मेरे पुत्र श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, यह तो नीरा भोला बालक है, इसे क्या पता इन सब चीज़ों का, और तुम सारे दिन उसे दौड़वाते रहते हो, उससे अपनी गायें भी चरवाते हो और उसकी सास संभाल करवाते हो। तो इस प्रकार से वह फिर उन ग्वालों को डांटती है और श्री कृष्ण फिर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने महाकवि सूरदास जी के बाल लीला वर्णन से संबंधित पदों का अध्ययन किया है। इससे पहले हमने विनय के पदों का अध्ययन किया था और इसी क्रम में हम आगे की वीडियो में महाकवि सूरदास के श्रृंगार वर्णन से संबंधित पदों का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।